और खबर आ रही है जहां पे युद्ध की भूमि से जहां पर इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है, सीरिया के अलावा यहां पे दमिश्क में बमबारी की गई, इसके अलावा जो अलग अलग हिस्से चाहे वो बेरूत का हो चाहे वो सीरिया का हो, वहां पर इजराइल की ओर से बड़ा एक्शन दिया गया है। यूं कहें तो यहां पर एक तरीके से जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है इजराइल की ओर से जो बमबारी है वो यहां पर की गई है। लेबनान, सीरिया, गाजा में एक साथ यहाँ पे बमबारी की गई है। बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पे बमबारी की गई है, जबकि सीरिया में दमिश्क के इलाकों में बमबारी की गई। प्रियंका, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोगों की मौत की भी जानकारी इस खबर के बीच मिल रही है। और बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है, जहां पर हिजबुल्ला के आतंकी छिपे हुए हैं, उन बंकरों पर भी हमला किया जा रहा है जहां पर छिपकर वार करते हैं। सीरिया के दमिश्क में इजराइल का ये बड़ा हमला, और आपको बता दें 3 तस्वीरें दिखाते हुए यहाँ पर आप देखिए कैसे बेरूत पर बमबारी होती है, सीरिया पर अटैक किया जाता है और गाजा पर हमला होता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लगातार IDF की तरफ से बमबारी की जा रही है और इसमें 7 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीरिया टू लेबनान खूनी इंतकाम, लगातार ये ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चल रहा है, एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर IDF के हमले में 7 की मौत होती है तो 11 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 तस्वीर आप देखिए बेरूत पर कैसे बमबारी की गई, वो आग की यहाँ पर देखिए चिंगारी दिख रही है, सीरिया पर अटैक होता है और फिर गाजा पर कैसे हमला किया जाता है, ये देखिए कैसे धुआं उठ रहा है ये हमले का, इसके बाद आग की लपटें गाजा पर जो हमला होता है उसमें देखी जा सकती हैं। इन 3 तस्वीरों में एरो के जरिए आप देखिए कैसे हमला होता है, बेरूत खंडर और युद्ध का जबरदस्त मंजर। और चलिए इसी बीच अब आपको बताएंगे नेतन्याहू की चेतावनी, कैसे परेशानी बढ़ी है। पीएम नेतन्याहू ने लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की धमकी दी है, गाजा का क्या हाल हुआ था ये सबने देखा था, लोगों से की है हिजबुल्ला के आतंकियों को बाहर निकलवाने की अपील, कि आप इनको अपील करें बाहर निकलने के लिए। इजराइल की सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ 1000 सैनिक उतार दिए हैं, हर मोर्चे पर वो सैनिक लड़ रहे हैं। लेबनान में भीषण जमीनी हमले की तैयारी में नेतन्याहू की सेना लगातार जुटी हुई है, हिजबुल्ला के आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है IDF की तरफ से, यानी कि इजराइल की तरफ से। और यही चेतावनी है नेतन्याहू की, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप अपील करें कि हिजबुल्ला के आतंकी बाहर आए और जो छुपकर वार कर रहे हैं उससे रुके। और हिजबुल्ला के हथियारों पर इजराइल ने यहां पे एयर स्ट्राइक की है, और खासतौर पे जो हिजबुल्ला के हथियार वाले बंकर है, जो सुरंगें हैं, उसको निशाना बनाया गया है। प्रयास दरअसल यह है कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, जमीन के नीचे जो हथियार रखे गए थे यहां पर हिजबुल्ला की ओर से, हथियारों का जो जखीरा था उसको निशाना बनाया गया है, और इसराइल की ओर से ये एयर स्ट्राइक की गई है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के हथियारों के जखीरे को यहाँ पे टारगेट किया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से इसराइल की ओर से हथियारों पे हमला किया गया है, और इस हमले के जरिए कम से कम प्रयास ये कि जो हिजबुल्ला की आर्थिक कमर है वो तोड़ दी जाए। जिस तरीके से हिजबुल्ला के जो आतंकी हैं वो जिस हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लिहाजा इसराइल की ओर से जमीन के नीचे जो जखीरा बनाया गया था अब वो यहाँ पे इसको टारगेट किया गया। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो आग का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको, जो धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ पर देख पा रहे किस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई इसराइल की ओर से। और इसराइल की एयर स्ट्राइक में खासतौर पर टारगेट किया गया जमीनों के नीचे बनाए गए हथियारों के जखीरे को, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के आतंकी करते रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से जो युद्ध में कमजोर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है इसराइल की ओर से वो ये है कि जो हथियारों का जखीरा है हिजबुल्ला की आतंकियों का उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जाए, लिहाजा इसराइल की ओर से पहले बमबारी की गई और टारगेट किया गया हथियारों के जखीरे को, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के आतंकी करते रहे हैं। तो देखिए इसराइल की सीधे तौर पर चेतावनी है लेबनान को, बेरूत को, कि जो हाल उन्होंने पिछले साल गाजा का किया था यही हाल वो सीधा लेबनान का भी करेंगे। ऐसे में हिजबुल्ला अपने दायरे में रहे और बाहर निकले क्योंकि छिप छिप कर वार कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर ये जो धमकी दी गई है, जो चेतावनी है, इससे ये माना जाए कि जो युद्ध है अब वो आमने सामने की जंग के मुहाने पर आ खड़ा है। देखिए रिपोर्ट। बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा का किया है। न
नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं? ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत धनीता, किबुत अदमित और अरबल आरामशे है, क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा, क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है, नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्ला के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। बेरूत में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। बेरूत पर रात भर दागे गए बम, 24 घंटे के अंदर हमले में मारे गए 50 हिजबुल्ला लड़ाके। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों की ओर से रेड, घर में मिला हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में रॉकेट भी बरामद। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही अंजाम। हिजबुल्ला के आतंकियों की तलाश जारी। इजरायल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना, बिल्डिंग पर दागी मिसाइल, हमले में इमारत के भीषण आग लग गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान के लोगों को नसीहत, हिजबुल्ला के खिलाफ खड़े होने का को कहा, तभी खत्म हो सकता है युद्ध। यूनिसेफ ने लेबनान भेजी मानवीय सहायता, 167 मीट्रिक टन मेडिकल सुविधाओं को यहां पर सप्लाई किया गया। करीब 20 लाख लोगों पर हमले का असर पड़ा है। इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक टली, ऑस्टिन और गैलेंट के बीच नहीं हुई कोई बात। सीरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा, एलेप्पे और इल्दीब में भेजी गई अतिरिक्त सेना, इसराइल के हमले के बाद सुरक्षा सख्त की गई। मैक्सिको में तूफान मिल्टन का दिखा असर, कई जगहों पर गिरी बिजली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। नासा ने तूफान मिल्टन की सैटेलाइट तस्वीरें यहां पे जारी की हैं। तूफान मिल्टन की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो सकती है। अमेरिका में तूफान मिल्टन का कहर, तूफान का डेटा इकट्ठा करने के लिए एनओए के शोधकर्ताओं को उबड़ खाबड़ यात्रा का सामना करना पड़ रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण, आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया, एक जवान बचने में रहा कामयाब। अगवा किए गए जवान की तलाश तेज, सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग।